मी निकिता वागदे, स्टार एपिक्स न्यूज मध्ये आपण सर्वांचं स्वागत करत आहे आणि बघूया आजचा स्टारचा वार. एक नजर आजच्या हेडलाईन्स वर. बुटीबोरी येथे ट्रॅफिक अजूनही नियंत्रणात नाही. आता बातम्या सविस्तर. बुटीबोरी ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी औद्योगिक इकाई असली तरी येथील नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. येथील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे येथील ट्रॅफिक अजूनही नियंत्रणात आलेले नाही. येथील लोक मनमाने गाड्या चालवतात. हेल्मेटची सक्त कार्यवाही अजून येथे झालेली नसल्याचे आपल्याला दिसून येते. बिना हेलमेट की लाइसेंस गाड़ी के कागज, लेकिन हेलमेट नहीं है. इतनी ट्रैफिक में हेलमेट लगा के नहीं चल रहे. कोई एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई तो होगी, फिर भी चला रहे. जा रहा है, ऐसा लगता नहीं कि बुट्टी बोरी पुलिस चालान करेगी या गाड़ी चल लेगी. लाइसेंस है क्या? नहीं नहीं करेगी. लाइसेंस है क्या? अभी है. फिर भी बिंदास. नहीं नहीं बिंदास. यानी कि पुलिस का कोई डर नहीं, ट्रैफिक पुलिस का नियम का कोई पालन नहीं. पुलिस वाले स्ट्रांग है. स्ट्रॉन्ग है? हाँ. तुम्हारे तो कोई डर ही नहीं है ना? नहीं नहीं. चालान होगा या नहीं, कुछ होगा? ट्रबल चीज जा रहा है ना, पुलिस का डर लगता नहीं है? चालान नहीं होता क्या बुट्टी बोरी में? ट्रबल चीज में चालान नहीं होता क्या? नेक्स्ट टाइम रिमेम्बर रखेंगे. नहीं, पुलिस का डर नहीं लगता. ट्रैफिक पुलिस का लाइसेंस है क्या? लाइसेंस की नहीं है. तेरे पास हेलमेट नहीं, पीछे वाला. अच्छा, कानून में पीछे वाले को हेलमेट दिया. हेलमेट अभी निकाला मैंने. बट बुट्टी बोरी पुलिस खड़ी है, लेकिन उसका कोई डर नहीं है कि कोई चालान होगा या क्या गाड़ी के कागज मांगेंगे. बिना हेलमेट के चालान होगा? हाँ, उसका कोई डर नहीं है पुलिस का. ट्रिपल सीट बिंदास से निकल रहे. येथील नागरिक बिना हेल्मेटने गाड्या चालवत असतात त्यांना ट्रॅफिक पोलीस किंवा कुणाचीही भीती नसते. एवढेच नव्हे तर ज्यांच्याजवळ लायसन्स नाही असे देखील लोक इथे गाड्या चालवतात. त्याचमुळे येथे अपघाताचे प्रमाण देखील वाढलेले आहे. जर यावर लवकरात लवकर कार्यवाही करण्यात आली नाही तर इथे खूप मोठा अपघात देखील घडू शकतो. दिलवर निघ्या राय साहेब, ह्या निघ्या ट्रॅफिक मे निघ्या. ट्रिपल सीट और कम उम्र के बच्चे दिनभर दौड़ते रहते इधर से उधर से, लेकिन नहीं क्या कोई कार्रवाई नहीं होती. उसको रोक के अगर थोड़ा सा समझा दिया जाए तो ट्रिपल सीट नहीं क्या डबल से नहीं आएगा. अगर एक बार चालान हुआ तो डबल से वो सोचेगा कि मेरा नहीं क्या चालान होता पुलिस स्टेशन चौक में, तो मेरे को ट्रिपल सीट नहीं जाना चाहिए. लेकिन यहाँ दिन भर नहीं क्या ट्रिपल सीट, छोटे छोटे बच्चे गाड़ी चलाते रहते हैं. ट्रैफिक इतना है कि समझ में नहीं आता कि कौन सी गाड़ी कहाँ से निकाली जाए. तो उसमें आपकी क्या राय है? उसका कारण यही है सर कि यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, और दूसरी बात है पुल का काम चल रहा है. तो जब अपन ट्रिपल सीट वालों के पीछे दौड़ो चाहे कुछ भी, उसको अगर कार्रवाई करने की भी अपन सोचते हैं तो वो भागने लगते इधर उधर. अब साला उसके चक्कर में कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इसीलिए हम लोग को कार्रवाई को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए पहले ट्रैफिक निकालना महत्व देते हैं. हालांकि सुबह से लेकर शाम तक तो हम रहते ही है, लेकिन सिर्फ ट्रैफिक की वजह से हम लोग उनको रोक नहीं पाते, चाहे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाते. कार्रवाई तो होती है लेकिन वो प्रमाण में नहीं हो पाती जितने प्रमाण में हमने करना चाहिए. लेकिन सर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो लहराते हुए गाड़ी चलाते हैं. जी. लहराते हुए गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का साइलेंसर निकाल देते हैं जिससे नीचे ट्रैफिक में ज़्यादा आवाज आए. तो उस पर भी कुछ ना कुछ नहीं अंकुश लगाना चाहिए. उसके ऊपर कार्रवाई चालू है, उस पर अंकुश लगाना चाहिए. बाकी कैसा है जो छोटे बच्चे हैं, जो 16 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं या लड़कियाँ हैं, बच्ची हैं, वो भी गाड़ी चलाती है डबल सीट ट्रिपल सीट, लेकिन उनको रोकना चाहिए. अपने कार्रवाई किए हुए, उनके माता पिता को बुला के अपन ने समझा चुके हैं बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर. अपन ने यहाँ तक इवन ये लिए हैं, क्या बोलते हैं, क्लासेस वगैरह भी लिए ये चीज़ों के ऊपर में कि छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में फिलहाल गाड़ी नहीं देना चाहिए. लेकिन अब उनके माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें उनके बच्चे प्यारे हैं या नहीं. नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कैसा है, बुट्टी बोरी चौक हमेशा से एक्सीडेंट और स्पॉट रहा है. जी, जी, जी. हमेशा ये बुट्टी बोरी में सबसे ज़्यादा दुर्घटना यही चौक पे होती. जी. इस पे ही ज़्यादा जोर लगाया जाए प्रशासन ने तो दुर्घटनाएं कम होंगी. और सुबह से शाम तक होती है. हाँ, बस ज़्यादा नहीं, ट्रिपल सीट. जी. और छोटे छोटे बच्चे गाड़ी चलाते हैं, उसकी वजह से नहीं कि जाम होता, रोड भी जाम हो जाता. उनको खुद को समझ में नहीं आता कि रॉन्ग साइड या राइट साइड किधर से गाड़ी निकाली जाए. बराबर है आपकी बात. उसके लिए तो हम आपको बता चुके हैं कि उनके माता पिता से हमने बात की है, सारी चीज़ें तो कर ली है. लेकिन अभी उनके माता पिता पे डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को गाड़ी दे या ना दे, क्योंकि उनके पास में पहली बात तो लाइसेंस नहीं होता, और लाइसेंस ना रहते हुए अगर एक्सीडेंट हो जाए तो फिर वो डायरेक्ट एफ आई आर उसी पर दाखिल हो जाती है. लेकिन ट्रिपल सीट पर आप चालान करते क्या? जी करते हैं. जी छोटे बच्चे अगर 15 साल 16 साल जी की हुए गाड़ी चला. हाँ, इस पर कार्रवाई किए हुए. आगे करेंगे, बिल्कुल पक्का करेंगे. धन्यवाद. अधिक बातमांसाठी बघत रहा स्टार एपिक्स न्यूज स्टार सवार.